सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा, अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा, आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा, होगा हर सपना आपका यहाँ मालामाल, होगा हर सपना आपका यहाँ मालामाल, होगा आपका सारा जहाँ, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो, छू लो आसमां। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बेहद आनंदित होंगे और स्पिरिचुअल क्विज शो का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक नया शो है मित्रों, जिसमें हम आसमां को छूने की बात करते हैं और आसमां तक ले चलने के इस सफ़र में मैं हूँ आपका हम सफ़र रुपेश, जो हमेशा ये वायदा आपसे करता हूँ कि हम सब मिल के जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ आकाश की बुलंदी को अवश्य छुएंगे। मित्रों, युवाओं की जब हम बात करते हैं तो सचमुच बाहें खिल जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो मरकर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो बना सकता है संसार को स्वर उसे यूथ कहते हैं। युवाओं में अदम्य साहस होता है, शक्ति होती है। आपको लग रहा होगा कि आज शुरुआत में मैं युवाओं की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मित्रों युवा पधारे हुए हैं भारत के अलग अलग प्रांतों से। आइए पहले उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ रेशमा चौधरी, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। हाय एवरीवन, मायसेल्फ कोमल गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम उड़ीसा। टीम शिवा। हेलो, मायसेल्फ पीतेश वैष्णव, आई एम फ्रॉम राजस्थान। Hi everyone, myself Harshit Parmar, I am from Rajasthan. Hello everyone, my name is Swati Negi and I am from Uttarakhand. Hello everyone, myself Amita Rawat and I am from Uttarakhand. आप सभी का हमारे इस स्पिरिचुअल क्विज शो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब दूर दूर से आए हुए हैं, सपने लेकर के आए हैं, उम्मीद लेकर आए हैं, विश्वास लेकर आए हैं कि इस स्पिरिचुअल क्विज शो को हम जीत करके ही जाएंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप सबके साथ खेलने में बेहद आनंद आएगा। और मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो ये स्पिरिचुअल क्विज शो है, इसमें अंतिम पड़ाव तक पहुंचने तक हमें चार मुकामों को पार करना होता है, चार चरण से गुजरना होता है, जिसमें से पहला चरण है जिसमें हम मूल्यों की बात करते हैं, दूसरे चरण में हम देश की बात करते हैं, तीसरे चरण में अध्यात्म और धर्म की बात होती है, और चौथे चरण में हमारे प्रेरणा स्रोत की बात होती है। इन चारों चरणों से गुजर करके हमें हमारा विनर प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्विज शो है मित्रों जिसमें धर्म और मूल्य जीवन में कैसे आए उसकी विशेष करके चर्चा हम करते हैं। तो आइए अपने इन प्रतिभागियों के साथ अपने इस गेम शो की शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड से। झूलो झूलो आसमां। मूल्यों की बात जब हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला राउंड है मेरे मूल्य मेरी पहचान, जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो आपके जेहन में कौन सा मूल्य उभर के आता है? टीम सत्य। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, कि हमें ईमानदार होना चाहिए। टीम शिवम। टाइमिंग। टाइम। टाइम, मतलब हमें पंक्चुअल होना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। टीम सुंदरम। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अर्थात अनुशासन में रहा जाए। क्या ऐसा लगता है कि आज मूल्यों को कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं और फिर से समाज में मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता है? जी, इस समय हमें मूल्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और अगर कुछ लोग मूल्यों को धारण भी करते हैं तो उन्हें संतुष्टता
और धैर्यता से उन्हें धारण करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोगों को जब देखते हैं कि वो उन मूल्यों को धारण नहीं कर रहे हैं तो हम भी उनके जैसा बनने लगते हैं। मतलब हम अपने मूल्यों को न खो दें किसी दूसरे को देख करके, क्योंकि वो मूल्यवान नहीं है, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुंदर विचार हैं आप लोगों के, और लगता है कि इस राउंड को आप लोग बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे। इससे पहले कि इसकी शुरुआत करें, इसके जो नियम हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस राउंड में हर एक टीम से तीन तीन सवाल पूछे जाएंगे, और हर एक सवाल का आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप सही ऑप्शन चूज करते हैं आपको 20 गुण प्रदान किए जाएंगे, और यदि आप गलत जवाब देते हैं आपको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, गुण प्राप्त नहीं होगा, और माइनस मार्किंग भी इसमें नहीं है। 10 सेकंड का आपके पास समय होगा। 10 सेकंड में यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो वो जो प्रश्न है वो पास हो जाएगा आपके साथ ही टीम को, अर्थात जो आपके साथ लगा हुआ टीम है उसे। और एक विशेष बात ये कि आपके जो प्रश्न हैं वो रिपीट नहीं किए जाएंगे, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से हर एक सवाल को सुनना है। यदि वो प्रश्न पास भी हुआ है तो भी उस प्रश्न को दोहराया नहीं जाएगा, और यदि पास किया गया प्रश्न यदि उसका सही जवाब आप देते हैं तो आपको 10 गुण की प्राप्ति होगी। चलें तो फिर इस राउंड की शुरुआत करें। टीम सत्यम, आपके लिए पहला प्रश्न रहा ये, एक रेलवे लाइन को पार करते समय आप नोटिस करते हैं कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई है और दूर से एक ट्रेन उसी पटरी पर आती हुई आपको दिखाई देती है, ऐसी परिस्थिति में एक जवाबदार व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ए, इस होने वाले हादसे को अनदेखा कर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, बी, ट्रेन की तरफ दौड़कर उसे लाल झंडी दिखाने का प्रयत्न करेंगे, सी, वहीं खड़े होकर हादसे का इंतजार करेंगे, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी बी बी, अर्थात आप ट्रेन की तरफ एक लाल कपड़ा लेकर के दौड़ेंगे। हाँ। आपने कभी ऐसा किया है या किसी को करते हुए देखा है? करते हुए देखा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है टीम सत्यम, और इसके लिए आपको पूरे पूरे 20 गुण प्रदान किए जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े हादसे को यदि आप समझ रहे हैं कि होने वाला है, अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस हादसे को रोकें या टालें। आपने कहाँ देखा ये? मूवी। आपने मूवी में ये देखा? अच्छा, चलिए, आपने मूवी में ये बात देखी और वहां से भी एक प्रेरणा आपने प्राप्त की है। टीम शिवम, अगर कोई दुर्भाग्य का सामना कर रहा है तो उनके प्रति उदारता व दया भाव दिखाना किसी व्यक्ति के कौन से गुण को दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, सहानुभूति, बी, साहस, सी, आदर, या फिर डी, सम्मान। सहानुभूति। ए अर्थात सहानुभूति। पक्का? पक्का। बिल्कुल पक्का, या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, सहानुभूति है। बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम श्रीराम आपने, और आपने भी इसके लिए पूरे पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। ये सहानुभूति का गुण है, जब कोई दुर्भाग्य का सामना कर रहा है या किसी के दिन अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए हम कुछ करते भी हैं, या फिर उसके लिए हमारे मन में एक ऐसा भाव होता है कि उसका जो जीवन है, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, सामान्य हो जाएँ, इसे हम सहानुभूति का नाम देते हैं, और ये इंसानों के अंदर अवश्य होनी ही चाहिए। टीम सुंदरम, तैयार हैं आप लोग? हम में दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन खुद के लिए दया की मांग कभी नहीं, ये शब्द कथन किसके हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, रॉल्फ एल्सन, बी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सी, विंस्टन चर्चिल, या फिर डी, जेन ऑस्टिन। विंस्टन चर्चिल, अर्थात सी। बिल्कुल पक्का जी? आपने ये पढ़ा हुआ है? जी। आपने ये पढ़ा है, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है टीम सुंदरम। विंस्टन चर्चिल जी का ये बहुत ही सुंदर और सुप्रसिद्ध सुवाक्य है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और आपने भी पूरे पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। टीम सत्यम पुनः आपके पास आ रहे हैं आपके प्रश्न के साथ। किसी भी भय का सामना करने में बहादुर और दिग्गज होना किसी भी व्यक्ति के कौन से गुण को दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, दृढ़ता, बी,
साहस, सी विश्वास या फिर डी धैर्य? साहस। बी साहस। बी साहस। विश्वास तो नहीं? नहीं, साहस। साहस। तो आप पूरे विश्वास के साथ साहस कह रही हैं या थोड़ा अविश्वास है? विश्वास, विश्वास के साथ पूरा। विश्वास के साथ। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका टीम सत्यम। और फिर से आपने पूरे पूरे 20 गुण इसके लिए अर्जित कर लिए हैं। भय का सामना करना ये साहस का प्रतीक है। शिवा, आपका प्रश्न रहा ये, सुझाव देना और बाद में हमने जो कहा उस नतीजे से बचने की कोशिश करना बेहद आसान है, ये कथन किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा या डी जवाहरलाल नेहरू? डी जवाहरलाल नेहरू। डी जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल पक्का? जी। इसका अध्ययन आपने कहाँ किया? सब कभी पढ़ा था। कभी आपने ये पढ़ा था, पढ़ के आपने इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है टीम शिवम आपका। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सुवाक्य कहा था कि हम एक्सेप्ट करें यदि हमने कुछ कहा है और यदि कुछ गलती हो जाती है तो, अन्यथा ये होता है कि हम कुछ कहते हैं, सुझाव देते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो हम मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं जी, हमने तो ऐसा नहीं कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलती को सुधारना अवश्य चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। टीम सुंदरम, आप रास्ते पर पैदल कहीं जा रहे हैं और आप देखते हैं कि बाइक पर सवार दो लड़के किसी महिला की सोने की चेन छीन कर तेजी से भाग गए, तो एक सहायक व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ए इस घटना को नजरअंदाज करते हुए आप आगे निकल जाएंगे, बी उनका पीछा करेंगे, सी महिला को सांत्वना देंगे और पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित करेंगे, या फिर डी खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या तमाशा होता है। सी महिला को सांत्वना देंगे। महिला को सांत्वना देंगे और पुलिस को, और पुलिस को इन्फॉर्म भी करेंगे। उनके पीछे भागेंगे नहीं आप? जी नहीं। क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि वो जा चुके हैं। क्योंकि वो जा चुके हैं, क्योंकि वो बाइक पे हैं और आप पैदल चल रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है टीम सुंदरम, कि आप उस महिला को सांत्वना देंगे और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें और जो विक्टिम है उसे सांत्वना भी अवश्य प्रदान करें। तो पूरे पूरे 20 गुण आपने भी अर्जित कर लिए हैं इस प्रश्न का सही उत्तर दे करके। टीम सत्यम, साहस ऐसी जगह पाया जाता है जहां उसकी संभावना कम हो, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है जे आर आर टोकिन, बी बिल क्लिंटन, सी विलियम शेक्सपियर या डी विलियम वर्ड्सवर्थ? सी विलियम शेक्सपियर। सी विलियम शेक्सपियर। पक्का? पक्का पक्का पक्का। आपको ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है जे आर आर टोकिन, जिन्होंने ये सुंदर सा सुवाक्य कहा है। लेकिन निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है टीम सत्यम, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अभी तो सफर बहुत बाकी है। टीम शिवम, किसी बस स्टैंड में बैठे हुए आप देखते हैं कि एक व्यक्ति एक बैग हाथ में लिए आता है और थोड़ी देर इधर उधर देखकर बैग को वहीं छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ मोटर बाइक पे चला जाता है, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ए बैग खोलकर देखेंगे कि उसमें क्या है, ऑप्शन बी तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे और लोगों को वहां से दूर हटाएंगे, सी उस व्यक्ति को वापस बुलाएंगे या फिर डी अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे? बी। बी अर्थात तुरंत पुलिस को आप सूचित करेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है टीम शिवम आपका। आपने बिल्कुल सही सही जवाब देकर के पूरे पूरे 20 गुण अर्जित कर लिए हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कभी इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं तो कई बार यदि सावधानी न बरती जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए तुरंत ही पुलिस को सूचित किया जाए, लोगों को दूर हटाया जाए ताकि लोगों की जो क्षति होती है वो क्षति ना हो और किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना से हम अपने लोगों को बचा सकें। टीम सुंदरम, आपके लिए प्रश्न रहा ये, किस प्रकार का व्यक्ति आसानी से नहीं उकसाया जा सकता बल्कि हर परिस्थिति में शांत और दूरदर्शी होता है? आपके ऑप्शन है ए समझदार व्यक्ति,
बी गौरवशाली व्यक्ति, सी क्षमाशील व्यक्ति या फिर डी कपटी व्यक्ति। समझदार व्यक्ति। अर्थात ए, समझदार व्यक्ति। बिल्कुल पक्का? हाँ जी। या दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है? नहीं, समझदार व्यक्ति। समझदार व्यक्ति ऐसा करेगा। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है टीम सुंदरम, और इसके लिए पूरे पूरे 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने खेला, और यहाँ पे हमारा ये जो पहला राउंड है वो पहला राउंड संपन्न होता है। अच्छी तरह से आप लोग खेल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मूल्यों को आप लोगों ने समझा है, और विश्वास होता है क्योंकि युवा ही आने वाले समय में देश को संभालेगा, देश को आगे ले जाएगा, और यदि युवाओं के अंदर ये मूल्य बहुत गहराई से जीवन में धारण किए हुए होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश फिर से सिरमौर बनेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो अब इस राउंड की समाप्ति के पश्चात आप लोगों को इंतज़ार होगा कि किसने कितने गुण अर्जित किए हैं। राइट, टीम सत्यम आपने अर्जित किए हैं 40 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। टीम शिवम आपने अर्जित किए हैं 60 गुण, और टीम सुंदरम आपने भी अर्जित किए हैं 60 गुण। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मित्रों, दीजिए उत्तर पाइए उपहार, उसके अंतर्गत हम आप तक एक प्रश्न प्रेषित करते हैं जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। तो इस बार का जो हमारा प्रश्न है वो आपके लिए है कि इनमें से किसने प्रधानमंत्री पद के लिए 3 बार शपथ ग्रहण किया है। और आपके ऑप्शन हैं ए मनमोहन सिंह, बी गुलजारी लाल नंदा, सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डी चौधरी चरण सिंह। बहुत ही सरल सा प्रश्न आप तक हमने प्रेषित किया है, तो जल्दी से देर मत कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर हम तक प्रेषित करें। नीचे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो नंबर, उस पे आप हमें SMS कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और साथ ही जो ईमेल आईडी है उस पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और चलिए अब अपने प्रतिभागियों के साथ हम दूसरे राउंड की ओर चलते हैं जिस राउंड का नाम है सारी जहां से अच्छा। झूलो झूलो आसमां। मित्रों, अब हम अपने दूसरे राउंड को आप लोगों के साथ खेलेंगे। जब हम सारी जहां से अच्छा कहते हैं तो भारतवर्ष का नाम हमारे जेहन में उभर करके आ जाता है। आपको ख्याल होगा जब प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी जब ऊपर अंतरिक्ष में थे, और नीचे से उस समय की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उनका जवाब था तत्क्षण उन्होंने कहा सारी जहां से अच्छा। ऊपर से देख करके भी भारतवर्ष सारी जहां से अच्छा लगता है। तो हम इस देश को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को फिर से सिरमौर कैसे बनाएं, ये भी एक विचारणीय मुद्दा है। क्या लगता है कैसे हम भारतवर्ष को फिर से सिरमौर बना सकते हैं, सबसे आगे ले जा सकते हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में। सत्यम, मैक्सिमम जो भी आउट ऑफ इंडिया जो भी कंट्रीज है वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडियंस ही हैं जी। तो अगर हम लोग यहाँ पे उन्हें प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर पैसे, जो भी चीजें हैं प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग इंडिया को फिर से वही डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारी प्रतिभा का जो पलायन हो रहा है वो पलायन नहीं होगा, और हमारे जो देश के युवा हैं देश को फिर से उस बुलंदी तक ले जा पाएंगे। सुंदरम सर, स्पिरिचुअलिटी को एज अ सब्जेक्ट हमें स्कूल में ऐड करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी प्रिवेंट करेगा, जैसे बच्चे आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, और कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगा स्टूडेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी हमारा देश आध्यात्मिक गुरु रहा है, और फिर से यदि इसे आध्यात्मिक गुरु बनाना है तो आध्यात्म की सीख बच्चों को तो दी ही जानी चाहिए। राइट, चलिए बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं, और रियली आप लोग देश के लिए बहुत कुछ करेंगे ऐसी हमारी कामना भी है, भावना भी है, और आप लोगों के अंदर के उत्साह को देख करके भी ऐसा ही लगता है। और निश्चित रूप से जब देश का युवा सामने आएगा तभी देश उस मकाम तक पहुंच पाएगा। चलिए अब हम अपने इस दूसरे राउंड की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें सारे जहां से अच्छा में हम देश की बात करेंगे, देश के लोगों की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले इसके रूल्स मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इस राउंड में आपको 30 सेकेंड का समय मिलेगा, ये एक हमारा रैपिड फायर राउंड है। इसमें आपसे
सवाल पूछे जाएंगे, 30 सेकेंड के अंदर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देंगे उतने ही ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। इसीलिए यदि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप तुरंत ओम शांति बोल करके अपने अगले सवाल पे जा सकते हैं, इंतज़ार ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलें अपने दूसरे राउंड की ओर। रेडी हैं आप सब? चलिए अपने दूसरे राउंड की शुरुआत टीम सुंदरम से कर रहे हैं। टीम सुंदरम, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? श्री राजगोपालाचारी। गलत, महात्मा गांधी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसने संविधान का ढांचा पूरे नियंत्रण के दर्जे में रखने की सलाह दी उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1923 में कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सही। 1905 में किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल राधाकृष्णन। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आपका समय यहाँ पूर्ण होता है। टीम सुंदरम, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अच्छा खेले आप। संतुष्ट हैं अपने खेल से या कुछ और किया जाना चाहिए था? संतुष्ट है। हाँ जी, संतुष्ट है। संतुष्ट है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप संतुष्ट हैं, आगे के लिए आप और अच्छा प्रयास करेंगे ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन आप लोगों ने खेला बहुत सुंदर है। टीम सत्यम, तैयार हैं आप? जी सर। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अपने कृत्रिम पैरों द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। अरुणिमा सिन्हा। सही। तिरुचिरापल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कावेरी। सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत के द्वितीय गृह मंत्री कौन बने? सी राजगोपालाचारी। सही। प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्पित ज्ञान प्रसारक मंडली नामक संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा भाई नौरोजी। सही। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। करनम महेश्वरी। करनम मल्लेश्वरी सही जवाब है। आपने करनम बोला और मल्लेश्वरी की जगह महेश्वरी हो गया, बट करनम ओके है, सही जवाब में ही हम इसे काउंट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे खेला है टीम सत्यम, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं, राइट? अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है। टीम शिवा, अब आपकी बारी है। कैसा लग रहा है? एक टीम ने थोड़ा सा कम खेला, दूसरी टीम ने पूरी शक्ति लगा दी और सही सही जवाब दिए। कैसा लग रहा है आप लोगों की तैयारी? नर्वस थोड़ा। नर्वस तो नहीं है? नर्वस है। चलिए नर्वसनेस को दूर भगाइए, देश का युवा नर्वस होगा तो देश का क्या होगा, राइट? कोई नर्वसनेस नहीं, खेल है, अच्छे से खेलेंगे और जीतेंगे इस भावना के साथ और इस स्पिरिट के साथ। चलिए टीम शिवा, आपका समय शुरू होता है अब। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया केसरी अखबार कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? मराठी। सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? ओम शांति। एनीवेज, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। सही। मुंबई के एल्फिनस्टोन कॉलेज में किसे पहले भारतीय प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था? ओम शांति। दादा भाई नौरोजी। भारतीय युवकों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने के लिए डक्कन शिक्षा समाज की खोज किसने की थी? आपका समय भी अब पूरा हो गया है। चलिए टीम शिवम, आपने भी पूरा अच्छा प्रयास किया, अच्छा खेला आप लोगों ने भी, और यहाँ पे हमारा ये दूसरा राउंड संपन्न होता है जिसमें आप लोगों ने देश की जो अलग अलग हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई बातें थी उससे आप अवगत हुए, आप लोगों को इसका ज्ञान भी प्राप्त हुआ। और इस राउंड की समाप्ति के पश्चात जो आप लोगों के स्कोर्स हैं, टीम सत्यम आपने अर्जित किए हैं 140 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। टीम शिवम आपने अर्जित किए हैं 100 गुण, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और टीम सुंदरम आपने अर्जित किए हैं 80 गुण, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा राउंड संपन्न हुआ, लेकिन पहले टीम सत्यम पहले राउंड में पीछे था और अब सबसे आगे है, सबसे आगे नहीं बहुत आगे है। टीम सत्यम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या था पहले राउंड में जब आप हार गए थे या थोड़े पीछे थे, मन में कुछ ये था कि कहीं अब हम पीछे पीछे ही ना रह जाएं? हौसला रखे थे अपने दिल पे। हौसला रखा आपने, हौसला नहीं खोया। टीम सुंदरम इस बार थोड़ा सा आप पीछे रह गए, कैसा लग रहा है? मन में कुछ ये भाव तो नहीं है कि कहीं हम ज्यादा पीछे रह गए? नहीं।
बिल्कुल नहीं। यदि जीवन में कभी हम पीछे रह जाते हैं, कैसे आगे निकलें, क्या एक भाव रखें, क्या संकल्प रखें? सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Things happen for something good, और उसी में हमारा कल्याण है। चलिए, बहुत सुंदर भाव है आप लोगों के मन में, इसीलिए आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी हमारी सुंदर कामना है और ऐसा होना ही है। तो आज वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ इस खेल को पूरा कर रहे हैं। कल भी दो राउंड और आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, अच्छी तैयारी कीजिएगा और कल के दो राउंड ये निश्चित करेंगे कि हमारे इस स्पिरिचुअल क्विज शो का विजेता कौन बनता है। और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आप जानते हैं कि ये जो शो है केवल हमारे पार्टिसिपेंट्स का ही नहीं है, लेकिन हम सब का है। हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार होकर के ही हम सचमुच जीवन को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं और साथ ही संसार को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, तो केवल ये पार्टिसिपेंट्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम सब भी इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ज्ञान से अपनी झोली भर रहे हैं। तो कल आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार। विश्व के कौन से शहर में प्रतिवर्ष दादी प्रकाशमणि जी की याद में प्रकाशमणि दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश।